आचार्यों ने कहा है कि जैसे जैसे गर्भ का समय बढ़े आपको गर्भ के संस्कार भी करना चाहिए। तीर्थंकरों के लिए गर्भ संस्कार करने की क्रिया विधि होती है और सामान्य व्यक्तियों के लिए भी गर्भ संस्कार की क्रिया विधि कही गई है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने पुत्र को योग्य बनाना चाहता है, महापुरुष बनाना चाहता है, तो वह अपने पुत्र को गर्भ से ही संस्कार देने की क्रियाविधि प्रारंभ करे। और ये क्रियाविधि बताई गई है। पहली क्रिया गर्भाधान की होती है, जिस समय पर वह गर्भ धारण किया जाता है और उस समय पर मंदिर में भगवान जिनेन्द्र देव के समक्ष विशिष्ट पूजा की जाती है। घंटे बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं, उल्लास के साथ में उस गर्भाधान की क्रिया को करके जब वह व्यक्ति वापस लौट करके आता है तो आचार्य कहते हैं कि 3 महीने के बाद में फिर एक क्रिया करनी चाहिए जिसे प्रीति क्रिया कहा गया है। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। और उस प्रीति क्रिया को करते हुए आचार्य कहते हैं कि उसी तरह से मंदिर में जाकर के पूजन करना, उत्सव करना, विधान करना, और यह सब करने के बाद में जब आप उस गर्भ को बढ़ता हुआ देखें तो कुछ मंत्रों का भी उच्चारण करना, उस पुत्र के लिए मंत्र उच्चारण करके संस्कारित करना, और वह मंत्र जो प्रीति मंत्र बताए गए हैं उन मंत्रों को भी आप समझें। अगर आपके यहां कभी इस तरह का कोई कार्य होता है तो आप भी अपने बच्चों को संस्कारित करें। दुनिया के सभी लोगों के लिए आज मैं वह क्रिया बताना चाह रहा हूं उन पारसनाथ भगवान के निमित्त से, कि आप ये भाव करें कि मेरा बेटा भी पारसनाथ भगवान बने। छोटे मोटे भाव नहीं करें आप, ये भाव करें कि मेरा बेटा वीर वंश की वृद्धि करने वाला हो। और यही भाव हमने वर्धमान स्तोत्र में लिखे हुए हैं। एक उसमें अर्घ है वीर वंश की वृद्धि करने वाला। आप ये ना सोचें कि वह केवल हमारे कुल की, हमारे गोत्र की वृद्धि करे। आपके मन के भाव होने चाहिए कि वो वीर भगवान के वंश की वृद्धि करने वाला हो। ऐसा पुत्र आपको जन्म देना है जिसके माध्यम से धर्म की ध्वजा फहराई जाए, धर्म का एक महान आचार्य बने। और आप भाव करने में कंजूसी ना करें। आचार्य कहते हैं कि अगर आपको अपने पुत्र का उत्तम संस्कार करना है तो आपको यह भाव करना है कि मेरा पुत्र अरिहंत बने, मेरा पुत्र सिद्ध बने। इस तरह के मंत्रों के संस्कार अगर आपके द्वारा दिए जाएंगे तो इस धरती पर ऐसे पुत्र जन्म लेंगे जिनके माध्यम से इस तरह से धर्म की प्रभावना होगी कि वह प्रभावना आगे आगे के समय पर भगवान के तीर्थ को बढ़ाने वाली होगी। और ऐसे मंत्र संस्कार मैं चाहता हूं कि जो भी दंपति पुत्र आदि की भावना रखते हैं अपने लिए गर्भाधान आदि के संस्कारों के माध्यम से एक उत्तम कुल को वृद्धि करने वाले पुत्र की भावना रखते हैं, वो इन मंत्रों को पढ़ें, इन मंत्रों के संस्कारों को ध्यान में रखें, और ये जो मंत्र यहां आज बताए जा रहे हैं इन मंत्रों के संस्कार की विधि से अपने लिए एक उत्तम योग्य पुत्र की प्राप्ति भी करने का भाव रखें। वह 3 महीने के बाद में फिर से एक प्रीति मंत्र का संस्कार किया जाता है और उसमें मंत्र पढ़ा जाता है, त्रैलोक के नाथो भव। आपको 3 महीने के बाद फिर भगवान की पूजा करके आना है और मंदिर में भगवान की पूजा करने के बाद आपको चाहे अपने घर में या मंदिर में, क्योंकि 3 महीने तक मंदिर भी जाया जाता है, 5 महीने तक मंदिर भी जाया जाता है, उस पुत्र के ऊपर पूजा करने के बाद में जो शेष अक्षत बचते हैं उनका बड़ा महत्व बताया गया है शास्त्रों में। पूजा करने के बाद में जो अक्षत शेष बचते हैं उन शेष अक्षतों को लेकर के उस मां के उदर पर आप इस तरह का मंत्र बोल करके उसको पुष्पांजलि क्षेपण करके उसको संस्कारित करें। और मंत्र बोलना है आपको त्रैलोक के नाथो भव, यानी 3 लोक का नाथ होवे। दूसरा मंत्र बोलना है त्रैकाल्य ज्ञानी भव, त्रिकालवर्ती ज्ञानी बने, यानी केवल ज्ञानी होवे। तीसरा मंत्र बोलना है त्रिरत्न स्वामी भव, अर्थात
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी तीन रत्नों का स्वामी होवे। ये इतनी सी क्रिया ये करनी है, कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। इसको कहते हैं प्रीति क्रिया। फिर इसके बाद में जब 5वां महीना आए तब फिर एक क्रिया करनी है, उसका नाम दिया गया है सुप्रीति क्रिया। क्या बोलते हैं? मुंह से बोल तो लो। और उस समय पर भी उसी तरह से भगवान जिनेंद्र देव के मंदिर में जाकर के पूजन आराधना करके विधान आदि करके और जो शेष अक्षत बचे रहे उन्हीं अक्षतों को लेकर के फिर उसी बच्चे के लिए, उसी शिशु के लिए जो अभी गर्भ में है उसके लिए भावना करना है, संस्कार डालना है इन मंत्रों के साथ में। अवतार कल्याणी भव। दूसरा मंत्र बोलना है मंदरेंद्र अभिषेक कल्याण भागी भव, यानी मंदर पर्वत पर, सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करने का कल्याण वाला ये बालक बने, ऐसी उत्कृष्ट भावना तो करो। आज भावना करोगे, आज का संस्कार, जरूरी नहीं कि आज ही वह सुमेरु पर्वत पर अभिषेक को प्राप्त हो जाए, लेकिन आगामी भव में उस जीव के अंदर अगर आपने संस्कार डाल दिया तो वह किसी ना किसी भव में जरूर इस तरह की योग्यता धारण कर सकता है कि वह भी तीर्थंकरों की तरह सुमेरु पर्वत पर अभिषेक को प्राप्त हो सकता है। लेकिन आप लोगों को लगता है हमारा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है, और अगर बेटा करेगा तो फिर तो वो घर छोड़ के चला जाएगा, मेरी मोह की पूर्ति कैसे होगी? ऐसे मोही कामी लोगों से कोई धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती, ऐसे रागी लोगों से कुछ धर्म का लाभ नहीं हो सकता। आप लोगों को अपने विचार बहुत उदार बनाना है, और इस तरह के विचार संस्कार के माध्यम से देने के लिए आचार्यों ने कहा है, वे मैं आपको बता रहा हूं ताकि सभी लोग, बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि ग्रंथ में कहां क्या लिखा है। मैं आपको सरल से वह विधि बता करके बताना चाहता हूं कि इतना सुनने के बाद में आप ये संस्कार करके अपने बच्चे के लिए इस तरह की भावना कर सकते हैं जो यहां बताई जा रही है। फिर तीसरा मंत्र पढ़ना है निष्क्रांति कल्याण भागी भव, अर्थात तपो कल्याण का भागी होवे, तप कल्याणक होवे इस बच्चे का। और फिर चौथा मंत्र पढ़ना है अरहंत कल्याण भागी भव, यानी कि यह बच्चा केवल ज्ञानी बने, अरहंत भगवान के समोसरण का पात्र बने। परम निर्वाण कल्याण भागी भव, इस तरीके के उस बच्चे को संस्कार देने की भावना करें, और ये संस्कार तभी दे सकेंगे जब आपके अंदर भी कुछ संस्कार होगा, आपके अंदर भी कुछ इस तरह की भावना होगी। ये कब की क्रिया हो गई? 5 महीने वाली क्रिया, सुप्रीति संस्कार हो गया। और इसके बाद में फिर 7वें महीने में क्रिया की जाती है जिसका नाम है धृति संस्कार। कौन सा? मुझसे तो बोलो। उस समय पर फिर मंत्रों का उच्चारण करना, उसी तरह से पूजन करना, मंदिर में जाना, शेष अक्षत बचे उनको लेकर के उस मां के उदर पर रख करके उस संस्कार को करना। सज्जाति दात्री भागी भव, सदग्रही दात्री भागी भव, मुनींद्र दात्री भागी भव, सुरेंद्र दात्री भागी भव, परम राज्य दात्री भागी भव, आरहंत दात्री भागी भव, परम निर्वाण दात्री भागी भव। क्या अर्थ है इसका? सदग्रही दात्री भागी भव, अर्थात यह सदग्रहस्थ का पद देने वाला हो, महामुनि का पद देने वाला हो, सुरेंद्र पद को देने वाला हो, ऐसे ऐसे पदों को देने वाला यह जीव हो, ऐसे मंत्रों के संस्कार उसके 7वें महीने में किए जाते हैं। और फिर उसके बाद में 9वें महीने में फिर संस्कार करना है। सुन रहे हैं? कौन सा? 9वें महीने का संस्कार मोद संस्कार कहलाता है। क्या बोलते हैं? और उस महीने में जब ये मोद संस्कार हो तब उस समय पर फिर वही भगवान के मंदिर में जाकर के पूजन करके हर तरह से उत्सव मना करके फिर से साक्षात लेकर के, अगर वह माँ भगवान के मंदिर में जाने के योग्य उस समय पर नहीं रहती है तो वह घर में ही रहे, लेकिन उसका पति
इस तरह का पूजन आदि करके आए और शेषाक्षत लेकर के आकर के उस पुत्र के ऊपर संस्कार करे। उस समय वह मंत्र पढ़े, सद जाति कल्याण भागी भव, सदग्रही कल्याण भागी भव, वैवाह कल्याण भागी भव, मुनीन्द्र कल्याण भागी भव, सुरेंद्र कल्याण भागी भव, मंदिराभिषेक कल्याण भागी भव, यौराज्य कल्याण पद भागी भव, महाराज्य कल्याण भागी भव, परम राज्य कल्याण भागी भव और आरहंत कल्याण भागी भव। ये मंत्र पढ़ना है 9 महीने पर, उसके बाद में प्रसूति होती है, जात कर्म संस्कार होते हैं, उसको प्रियोद भव संस्कार कहा जाता है। और उस समय पर भी इसी तरह से मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से वह मंत्र संस्कार की क्रिया की जाती है।